दोबारा ऑन करी, लाइट ऑन कर दी। आवाज आ रही है जी आपको? वालेकुम अस्सलाम ताहिर रफीक साहब, वज़ियान खान, तौकीर चीमा साहब जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। एक बहुत हार्ड पड़ रही है, सियालकोट साहब जी, बहुत शुक्रिया। असद मलिक साहब, मेहर मुदस्सर साहब, कैसर बंदेशा साहब, मलिक रांझा साहब, बहुत शुक्रिया जी। आप लोग जब भी हम आते हैं ऑनलाइन तो आप हमारे साथ होते हैं जी। जी भाई जी, सर क्या कार्ड है अपना? मैं कार्ड यार इस टाइम कोई मेरा फोन बंद हो गया, मैं बच्चे ही नहीं। हाँ जी, कोई नहीं, तो मियां नदीम को होगा ना? हाँ हाँ, बाबर भाई जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। असद मलिक साहब, मोहम्मद रजा साहब, सलमान भाई नजर ही कुछ नहीं आ रहा मेरे को, सामने लाइट है मेरे। उस्ताद जी कहाँ गए? उस्ताद चेयरमैन साहब भी थे यहीं पे कहीं पे, यहीं पे कहीं थे। किधर बाबर भाई, किधर वहाँ बैठने? क्यों इधर ही होना? लिख लिया यार, यहीं कहीं बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ लाइट है ना, लाइट इधर फिक्स कर दी ना, चल तो रही है ये लाइट। ठहर ठहर जो क्यों और उसे हाँ इधर ही बैठ जाओ, कलवाने नहीं मुझे पुट्ठी गाना करो जी। बिल्कुल सरदार अली असगर साहब, जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। फैजान अली कबू साहब हाँ, यूं ठीक है, यूं लाइट के सेंटर में रहे। लाइट नीचे हो जाएगी और काम चौकस हो गया। बहुत हार्ड हो गया साइड पे घुमाता, चौकस हो गया, सबसे बेहतरीन हो गया। मैंने लाइट अपने कैमरे स्पेस कर रहा नासर शाह साहब के नाल फेस रखो इधर, उठे आओ सामने। हाँ जी, बस मेहरबानी।
जबरदस्त इकट्ठ का आगाज तलावते कुरान पाक से स्टार्ट किया जा रहा है। बाउ शमस पार्टी और मियां नज़ीर पार्टी 2017 बादियों का इकट्ठ। जज़ाक अल्लाह माशाअल्लाह। अब स्पीच स्टार्ट करें। नाज़रीन, मैं हूँ कामरान अब्बास, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज ये जो महफिल सजाई गई है, आपको बताते चलें कि ये लाहौर का एक बहुत ही तारीखी इकट्ठ होने जा रहा है, जिसमें उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी और उस्ताद बाउ शम्स पार्टी आगा शाहिद ग्रुप के माबेन मुकाबले तय किए जाएंगे साल 2017 के। और उस कट का आगाज़ हो चुका है और हम अब गुजारिश करेंगे कि ये जो तमाम कार्रवाई है इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। आज के मेज़बान हैं उस्ताद आगा शाहिद खान पार्टी और ये बाबर भाई हमारे साथ हैं। और बाबर भाई हमारे जी आज के जो मेज़बान हैं वो आगा शाहिद खान साहब हैं बाउ शम्स पार्टी, और हम उनके मेहमान हैं मियां नज़ीर पार्टी। उनके माँ बहन आज बादियों का सिलसिला जो एक रवायत एक सकाफत चलती आ रही है वो आपके सामने है, सब दोस्तों के सामने। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे आप बताते चले ना कि बाउ शम्स पार्टी किस साइड पर है और आगे। बाउ शम्स पार्टी ये हमारे लेफ्ट साइड पे है, बाउ शम्स पार्टी आगा शायद दिखाओ, दिखाओ, आगे जाओ। और ये जो राइट साइड पे है ये मियां नज़ीर पार्टी। नाम दसो ना, नाम बताए। नाम मीर वसीम साहब, मियां नदीम साहब खान साहब, आमर शकील खान साहब, आगा शाहिद साहब, मलिक नासिर खोकर साहब, डॉक्टर अजहर क्लब वाले, इजाज खान साहब, नवीद साहब बैठे हैं जी दुबई वाले, और इनके तमाम पार्टी मेंबरान इनके साथ बैठे हैं। मियां मलिक यासर रहीम खोकर साहब वो पीछे बैठे हैं जो सब सबसे फ्रंट पे हैं, कि जो सबसे पीछे बैठे हैं अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इधर आ जाएं जी, आप जी आप ये राइट साइड पे आ जाएं। ये मियां नज़ीर पार्टी, ये मियां नज़ीर पार्टी के रिंग लीडर नासर अली शाह साहब, उसके साथ बैठे हैं उस्ताद बहुत ताहिर शरीफ साहब मियां नज़ीर पार्टी के रिंग लीडर, उसके साथ बैठे हैं उस्ताद मलिक अयाद हुसैन खोकर साहब, उनके साथ बैठे हैं साजिद शाह साहब कैनेडा वाले, उनके साथ बैठे हैं मियां हामिद एनएफसी वाले, इधर बैठे हैं जी खलीफा बहू कदीर साहब, बहू नूर साहब के साहबजादे, और यहाँ बैठे हैं जी हर दिल अजीज शख्सियत बानी और सरपरस्त आला मियां नज़ीर पार्टी उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब, और ये उनके बाकी मेंबरान ये साथ बैठे हैं। उस्ताद मोमिन, ये उस्ताद मोमिन साहब साथ बैठे हैं। उसके बाद हाजी मून साहब बैठे हैं, मलिक अदरीस साहब बैठे हैं, खुरम साकिब साहब बैठे हैं, बहू ताहिर साहब के शगिर्द डोगर साहब बैठे हैं, बोधी भट्टी साहब बैठे हैं, मियां शाहिद हुसैन साहब बैठे हैं, और ये बाकी तमाम टीम बैठी है जिनका मैं नाम नहीं ले सका उनसे मात्र है। मलिक मुबशर खोकर साहब जो हालिया चैंपियन 2017-21 कबूतरों के, उनके साथ खड़े हैं जी उस्ताद शबाद मेंबर साहब, उनके साथ एक और शबाद मेंबर साहब, पीछे बैठे हैं जी हमारे बुजुर्ग उस्ताद हिस्ट्री शीट कसूर की नामवर शख्सियत उस्ताद लाला यूसुफ साहब, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे, वो थोड़ा पीछे बैठे हैं। और आगा शाहिद खान ग्रुप के सैफुल्ला सिंधु साहब भी बैठे हैं जी, जो आगा साहब की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी जरा पीछे बैठे हैं लाला जी के पास। और ये बाकी सारी टीम है आप सब दोस्तों के साथ। ये लाला जी आ गए हैं जी साथ, ये कसूर की मरूफ शख्सियत उस्ताद लाला यूसुफ साहब, किसी तारु के मोहताज नहीं। ये था एक छोटा सा तारुफ जो आप लोगों को हम करवा रहे थे इन दोनों पार्टीज का। और अब जो है यहाँ पे तमाम तर कार्रवाई शुरू की जा रही है, तो ये तमाम कार्रवाई आप देखेंगे लाइव मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। और हमारे साथ रहेंगे लम्हा बलम्हा जनाब उस्ताद मलिक बाबर साहब, जो कि आपको नजर आ रहे होंगे मेरे साथ। शुरू करेंगे ये मुझे पकड़ा रहे तू लगा रहा है।
ये जी सिलसिला जारी है वादियों का, आपस में छतें मैच की जा रही है मुकाबलों का, मुकाबलों के लिए 2017 जेठ मियाँ साहब तुम कि छत्तां दित्तियां पहले वटे है 12 छत्तें आगा साहब की तरफों जी ठीक हो गया जी बहू जी तुम कि दे रहे जी 17 12 के मुकाबले तो 17 छत्तां दे रहे हैं ठीक हो गया 12 छत्तों के मुकाबले पे आगा साहब ने 12 छत्तें दी हैं बहू शमस पार्टी जबकि मियाँ नदीम पार्टी की तरफ से 17 छत्ते सामने लगाई गई है ठीक हो गया 1-1 मुकाबले तय किए गए हैं जी बिल्कुल जी राशिद रिकॉर्ड है ठीक हो गया जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का आपकी दूसरा पैकेज पार्टी के और ये दूसरा पैकेज है हमने 3 पैकेज बनाए हैं दूसरे में 5 दूसरा पैकेज है जी 5 छतों का 5x5 दोनों के 5x5 1-1 मुकाबले ये सेकंड पैकेज है थर्ड पैकेज और ये जो थर्ड पैकेज है ये 3x3 है ठीक हो गया उधर 4 ने 3x4 3x4 जी तीसरा पैकेज जो है 3x4 3 ही लिखी हुई उधर 3x3 है 3x3 है 3x3 है जी एक छत कैंसिल कर दी है 3x3 है 3x3 और ये दस्तखत किए जा रहे हैं टोटल 20x24 टोटल छतों के जो मुकाबले तय हुए हैं 20 आगा साहब की हैं और 24 हमारी 20 आगा साहब की छतें हैं बहु शमस पार्टी आगा शाहिद खान ग्रुप और 24 छतें मियां नजीर पार्टी की हैं जो आपस में 1-1 मुकाबले तय किए जा चुके हैं बकायदा रिटर्न 25 हो गई हैं जी एक छत और बढ़ गई है एक और बढ़ गई है जी मजर भट्टी साहब वालेकुम असलाम बहुत शुक्रिया जी मजर भट्टी साहब आए जी ठीक है जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब करो जी फैन करके दियो तुसी उन्होंने दियो ये देखिए नाज़रीन ये अब चेक किया जा रहा है मुखालिफ पार्टी के जो है वो चेक कर रही है और ये मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ जनाब उस्ताद मियां नदीम साहब ये कर रहे हैं तमाम तरह साढ़े पूरे ताहे तो देर लगी जी उस्ताद इम्तियाज चेयरमैन साहब और आगा नदीम साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दें शेख हसनैन साहब आपको मुबारकबाद दे मियां नदीम साहब ने आगा नहीं आगा लिखा हुआ उन्होंने नदीम आगा साहब और नदीम साहब जी मेहरबानी जी शेख साहब अच्छा ठीक हो गया जी मजर भट्टी साहब आपकी तरफ से मैंने पहले ही सलाम दे दिया सर बहुत शुक्रिया तक्की डोगर साहब सर ये देखें अब ये तमाम तरह यहाँ पे जो है लाहौर के जो कट हैं ये उनका एक तारीखी सिलसिला है और तारीखी अंदाज़ है इसी तरह से नीचे ज़मीन पर बैठ के ये कट किए जाते हैं और इस वक्त ये तमाम तर जो दोनों पार्टियाँ हैं उनके तमाम तर रुकन यहाँ पे मौजूद हैं मेन रुकन भी हैं और जो मज़ीद पीछे प्लेयर्स हैं वो भी तमाम तर होते हैं यहाँ पे हेलो जी अब्दुल मनान साहब बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं दोनों पार्टियों को बहुत शुक्रिया सर आप लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं लाहौर की दो अहम और बड़ी पार्टीज के जो बहुत बड़ा कट है यहाँ पर और बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं साहब नाल होगी एक अपना शेख सिंह ठीक है चेक कर ले एक तस्वीर लेके दिल्ली जा रही है 3 छत्ता सन दियो जी एक दोस्त ने चौक करना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯਾਸਰ ਨਾਲ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਸਨੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੈ ਲੋ ਨਵੀਰ
जी वो अभी ज़रा दूर बैठे हुए हैं ये मुझसे। अदनान मुगल साहब सलाम कह रहे हैं आप। पूरा दिखाएं जी सेटअप साइड पे मियां नजीर पार्टी के मेंबर बैठे हैं साइड पे बहुत शमस पार्टी आगा शायद अपने टाइम पर बात मैं जरा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा कि मेंबरान सबको दिखाए जाएं। ये एक सकाफत है हिस्ट्री जो बाजियों की चली आ रही है सदियों से। यहाँ पे सब बराबर है, कोई ऊंच नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के यहाँ पे मुकाबले तय नहीं किए जाते। यहाँ पे सब लोग बराबर हैं, चाहे वो कोई अमीर है चाहे गरीब है। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के मुकाबले नहीं तय किए जा रहे। ये एक जो बादियों की सकाफत थी उसको बाहर रखा जा रहा है। आजकल के जो बड़े उस्ताद हैं वो ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठ रहे हैं। इस तरह ना आइए ना बस लोगों को नजर आ रहा है, सर सर नजर आने चाहिए ना, वो ऐसा लगता है। जी नाज़रीन, तो ये उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी जो मेरे सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ इब्तदा होती है जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब से, जो कि हमारे सामने आपको मौजूद हैं। और ये इस वक्त बातचीत में मसरूफ हैं उस्ताद मियां नदीम साहब के साथ। और ये तमाम पार्टी आपको नज़र आ रही होगी, तमाम मेन मेम्बरान जो हैं वो तमाम जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और जो आगे की सफ़ में नज़र आएंगे वो तमाम मेन लोग होंगे। मेन लोग से मुराद ये नहीं है कि कोई छोटा है तो वो पीछे है और बड़ा जो है आगे। इसका इससे मकसद ये होता है कि जो लोग यहाँ के एक्सपीरियंस्ड हैं या पुराने उस्ताद हैं सीनियर हैं उनको जो है पार्टी की बागडोर दी जाती है और वो लोग जो हैं वहाँ मेन पे बिठाए जाते हैं। और ये उनके शागिर्दों का भी होता है कि अदब के साथ के वो उनको आगे लगते हैं। बिल्कुल, इधर ये पीछे वाला कोई बोल नहीं सकता। बिल्कुल सही, अपने उस्तादों को आके कह सकते हैं ठीक हो गया। ये पुरानी कबूतरबाजी है, इनके अगर किसी ठीक हो गया। ये इकट्ठ का एक बुजुर्गों का एहतराम है जी। बिल्कुल, कि मतलब अपने अपने बुजुर्गों से बात की, आवाज कस नहीं सकता कोई, ठीक हो गया। इधर का उधर नहीं कर सकता, सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है, ठीक। असल कट का मकसद ये है। बिल्कुल सही, वैसे तो इतने आदमी इकट्ठे उधर हौला पड़ जाए। बिल्कुल सही है, देखो ना कितना मुनज्जम, मतलब कि कबूतर परवरी एक मुनज्जम लोगों का शौक है। ये बुजुर्गों ने, इनके बुजुर्गों ने, इन्होंने ये तय किया। बिल्कुल सही हो गया, चलेंगे तो चलिए। ये उस्ताद मोमिन साहब हैं जी, बहुत शबाश, शबिगार पार्टी सब सब देओ साज में पार्टी पार्टी चली है। बिल्कुल ठीक, पार्टन वेरी मैन। अच्छा जी ठीक है, क्योंकि तो शुरू से तरीका कार यही है, यही तरीका कार है। जमीन आमने सामने जमीन पर बैठ लोग बाकी सिगरेटों को कोई इजाजत नहीं। बिल्कुल बड़े करते ठीक हो गया, यही बोलेंगे पीछे से आके इनको कहेंगे जी आगे बोलो। कोई भी बात है, कोई भी एलिगेशन है या कुछ भी है तो वो खुद नहीं को बोल सकते। सही हो गया, और फैसला जो है ये मेन ज्यूरी आमने सामने जो बैठे हैं वो लोग करेंगे फैसला, करते हैं जो इनमें से फिर चुने जाएंगे ना जज, जो साहबन जिनका जज साहबान जो होंगे वो फैसला करेंगे ठीक हो गया। एक जैसे अब इनमें तीन आदमी बैठे हुए हैं, नासर शाह साहब ने, बहुरी ने, इधरों ए ने, ए एक ज्यूरी के जज ने। बिल्कुल सही, बाकी जी साड़ी मुखालफ पार्टी है तीन उन्होंने दे देने दो उन्होंने हो जाने पांच। अच्छा एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जो हमारी आगे की सफ है दोनों साइडों पर में कुछ लोग जवान हैं कुछ लोग बुजुर्ग हैं, अब ये मतलब क्या कैलिबर रखा जा वो करते हैं? मैं आपको बताता हूँ, हमारी पार्टी के सीनियर मोरी हैं नासिर, ठीक है, जूनियर हैं मियां साहब, बिल्कुल ठीक, इधर इनके सीनियर हैं आगा साहब, बिल्कुल सही हो गया, उसके बाद है मियां साहब, फिर आगा नुमान।
कामिल को कॉल करें। जी नाज़रीन, तो इस वक्त ये कट चल रहा है और आपसे अभी बात कर रहे थे जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब, जो कि हमारे लिए भी बहुत एजाज़ की बात है कि वो इस वक्त हमारे साथ जो है महवे गुफ्तगू थे, और ये बहुत ही अहम जो